अगर आप हरिश्चंद्र की औलाद हो, साफ सुथरा हो, तो डर किस बात का है? हम भी तो उनके साथ थे, हम भी तो बीजेपी के खिलाफ हम भी थे, 4 साल खिलाफ थे, हमारे घर क्यों नहीं ईडी सीबीआई चली गई? आज जितना बोल रहे हो समाजवादी पार्टी के लोगों, तेरी नहीं है जितना ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित के लिए हक के लिए बोल दिया। जबान नहीं खुलती है सामाजिक न्याय समिति पर, अखिलेश जी की जबान आज तक नहीं खुल पाई। जुगाड़ बैठा लेंगे तो हम क्या करेंगे कह के? आपका जुगाड़ नहीं चल। अरे हम तो 24 के लिए न है। 24 से पहले आपका कोई उपयोगिता नहीं है बीजेपी में, पर बात तो सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जाएगी? अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी को लेकर काफी आक्रामक बने हुए हैं। वो यादव परिवार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में जब उनसे दिल्ली और यूपी में हो रही ईडी और इनकम टैक्स रेट पर सवाल पूछा गया, तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही निशाना साध दिया। देश में 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी में चुने हुए लोगों के यहां ईडी सीबीआई क्यों जाती है? सवाल इस बात का है। और तो विपक्ष कह रहा है कि विपक्षियों के यहां ही क्यों जाती है? नहीं, विपक्षियों की बात अगर कहें, एक बयान मैं आपको बताता हूं माननीय शिवपाल यादव जी के। जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के विषय में बोला था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। ये शिवपाल जी के बयान है। चोर उचक्कों का काम क्या होता है, शिवपाल जी के बयान पर। दूसरा उन्होंने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी ने कहा कि गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, और समाजवादी पार्टी में एक शकुनी आ गए हैं जिनको पश्चिम में लोग चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। तो वही गाना हीरो का याद आता है, लेकर नाम गरीबों का, लेकर नाम पिछड़ों का, चूसा खून गरीबों का, साधु बन करके सपा ने डाका डाला है ना गाना। तो जब आरोप आप ही के पार्टी के बड़े नेता लगा रहे हैं तो फिर आप सफाई किस बात के दे रहे हो? अगर आप हरिश्चंद्र की औलाद हो, साफ सुथरा हो, तो डर किस बात का है? हम भी तो उनके साथ थे, हम भी तो बीजेपी के खिलाफ हम भी थे, 4 साल खिलाफ थे, हमारे घर क्यों नहीं ईडी सीबीआई चली गई? अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि वहां है तो बहुत बोल रहे हैं, आज जितना बोल रहे हो समाजवादी पार्टी के लोगों, तेरी बात नहीं है जितना ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित के लिए हक के लिए बोल दिया। जबान नहीं खुलती है सामाजिक न्याय समिति पर, अखिलेश जी की जबान आज तक नहीं खुल पाई। वहीं घोटाले के सवाल पर भी राजभर ने अखिलेश यादव समेत कई सपा नेताओं पर बड़े आरोप लगाते हुए बीजेपी में अपनी उपयोगिता को लेकर बड़ी बात कह दी। खदान घोटाले में नाम आया था ना अखिलेश जी का, फाइल पे दस्तखत किए हैं ना, नाम आया है। वो भले मिल के भीतर से बंद करा ले फाइल, अलग बात है। गुमती रिवर फंड में रामगोपाल जी के बेटे शिवपाल अखिलेश जी के नाम आए हैं ना, दिन में भाषण मारते हैं, रात को जाकर के योगी जी और मोदी जी के सलाम ठोक के फाइल दबवा देते हैं। मतलब जो सलाम नहीं ठोकता उनके यहां पहुंच जाते हैं? कार्रवाई नहीं हुई, हम पूछ रहे हैं क्यों कार्रवाई नहीं हुई? पूरा जग जाहिर है, पूरा जग जाहिर है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आप तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछते हैं? क्या सेंट्रल एजेंसी काहे नहीं पूछ रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है, क्यों नहीं इन तक गई? नहीं, अब जैसे अब हम तो आपके सामने बोल रहे हैं, अब वो जा करके राती के सलाम ठोकेंगे, अब वो अपना जुगाड़ बैठा लेंगे तो हम क्या करेंगे कह के? आपका जुगाड़ नहीं चल रहा है। अरे हम तो 24 के लिए न है। 24 से पहले आपका कोई उपयोगिता नहीं है बीजेपी में, तो फिर बात तो सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जाएगी? तो फिर आप कह रहे हैं वो रात में जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं, तो आप रात में जाके मिलते हैं तो क्या करें? तो ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभर के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।